नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। सीबीआई निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद नागेश्वर राव ने अस्थाना मामले की जांच कर रही टीम में किया बदलाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, संस्थान की साख और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सीवीसी की सिफारिश पर सरकार ने उठाया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा इस साल का सियोल शांति पुरस्कार। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान के लिए सम्मान। अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक आर्थिक खाई को कम करने के लिए मोदीनॉमिक्स की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1,00,000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमियों से करेंगे संवाद। न्यू इंडिया के निर्माण में तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करेंगे साझा। मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप का भी करेंगे शुभारंभ। दूसरी हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है देश। मुंबई में कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का संबोधन, कहा कृषि को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। केंद्रीय कैबिनेट के कई अहम फैसले। आशा वर्करों के लिए विजिट चार्ज 250 से बढ़ाकर हुआ 300 रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराइच और खजुरा के बीच ब्रॉडगेज लाइन को मंजूरी। सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव ने तत्काल प्रभाव से सीबीआई के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कल अंतरिम उपाय के तौर पर एम नागेश्वर राव के निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। कार्यभार संभालने के बाद नागेश्वर राव ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर रही टीम में बदलाव किया है। इनमें सुपरवाइजरी स्तर से लेकर जांच अधिकारी तक में बदलाव किया गया है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी सीबीआई ए के बस्सी का तबादला पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया है। इस बीच सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीबीआई की साख और विश्वसनीयता बरकरार रखने और उसे बचाए रखने के लिए सरकार ने सीवीसी की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के दो सबसे बड़े अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में जांच पूरी होने तक दोनों को छुट्टी पर रहने के लिए कहा गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। The Central Bureau of Investigation is the premier investigative agency and the maintenance of its institutional integrity is a precondition. It's absolutely essential. हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि देश के बाहर जिन लोगों पे आरोप लगते हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के खिलाफ उंगली उठा पाए। इसलिए सीबीआई की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी बनाए रखना और उसको बनाने की दिशा में कदम उठाना ये अपने आप में अनिवार्य है। और कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में सेक्शन 8 सीवीसी एक्ट और सेक्शन 4(1) ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह सिफारिश की कि इन आरोपों की जांच ना तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है। इसलिए जब तक इसकी जांच होगी टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस प्योरली एज एन इंटरिम मेजर
they will sit out by going on leave for a certain period of time. It's an interim measure. And an SIT not functioning under either of these two officers will investigate the case. This is in accordance with the highest standards of fairness. भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल के सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। सियोल पीस प्राइज कमेटी ने इसका ऐलान किया है। समिति ने अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक खाई को कम करने के लिए मोदीनॉमिक्स की प्रशंसा की है। वैश्विक शांति, मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। कमेटी ने भ्रष्टाचार रोकने और नोटबंदी जैसे फैसलों के लिए भी प्रधानमंत्री की तारीफ की है। सक्रिय विदेश नीति के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए कमेटी ने मोदी डॉक्ट्रिन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सराहा है। दक्षिण कोरिया का ये पुरस्कार पाने वालों में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की मून भी शामिल हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी को साउथ कोरिया का सोल पीस अवार्ड मिला है। ये बहुत ही हमारे लिए उपलब्धि है कि पहले यूएन के, आपको मालूम है, सेक्रेटरी जनरल आए थे, एनवायरमेंट पर पीएम को उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया था। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सोल पीस अवार्ड मिलता है उसमें पहले अंजेला मर्केल को मिला है, बान की मून जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल उनको मिला था, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिला है उसमें जो उल्लेखनीय बात है वो चार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भारत की आर्थिक दिशा और दशा को गतिमान किया है, ग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सर्वव्यापी डेवलपमेंटल गोल विच टचेस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय इनिशिएटिंग प्रोग्राम्स लाइक GST एंड नोटबंदी द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन ए स्ट्रॉन्ग आई वुड से अटैक अगेंस्ट करप्शन एंड प्रोहिबिटिंग दिम टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जिस तरह से देश में आप देख रहे हैं लोगों के टैक्स रिटर्न्स बढ़े हैं, इंक्लूडिंग करोड़पतियों के भी, ये पूरी सूचना आपको बताई गई थी दो दिन पहले। तो ऑल दिस हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैं नहीं हम पोर्टल जारी करने के अवसर पर IT और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमियों से संवाद करेंगे। सेल्फ फॉर सोसाइटी की थीम पर काम करने वाला ये पोर्टल IT क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और संगठनों को सामाजिक सरोकारों और समाज सेवा से जुड़े उनके प्रयासों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। इसके जरिए प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के कमजोर तबके तक पहुंचाने के लिए परस्पर सहयोग के प्रयासों में तेजी लाई जा सकेगी। पोर्टल के जरिए समाज की बेहतरी के लिए काम करने के इच्छुक लोगों की व्यापक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई उद्योगपतियों से मिलेंगे और IT पेशेवरों और IT और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर देश भर के 100 से ज्यादा स्थानों से IT और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन से जुड़ेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। यहां उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दाल, चावल, गेहूं और मसालों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बावजूद इसके भारतीय कृषि की कार्यकारी कुशलता को बढ़ाना चाहिए। कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि से कृषि आय में सुधार किया जा सकता है। कृषि पुनर्जागरण एक मजबूत डिजिटल नींव पर आकार ले सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें स्मार्ट किसानों की जरूरत है जो नए ज्ञान और कौशल को अवशोषित कर ले। उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों को अलग नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हो सकती, इसे ग्रामीणों में तेजी से फैलाने की जरूरत है और किसानों को उनकी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल गोवा में फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी की ओर से आयोजित सागर डिस्कोर्स में शिरकत की। सेमिनार में अपने उद्घाटन भाषण में अंतरिक्ष साझेदारी पर उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत अपने पारंपरिक सहयोगी देशों के साथ रिश्तों के बढ़ाने के साथ ही दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में जुटा है। इंडिया एज अ रेस्पॉन्सिबल पावर हैज ऑलवेज कोलैबोरेटेड विद अदर नेशंस एज स्पेस इश्यूज ऑन स्पेस इश्यूज एज सच द आउटर स्पेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स विद ओवर 80 नेशंस and the numerous government consortia, scientific and commercial firms accessing and operating satellites for countless economic, scientific, educational and social missions. At the same time, threat to space systems from debris and other irresponsible activities are adding to the complexity. We all need to be concerned with the pursuit of weapon systems capable of destroying satellites in orbit. Competitive approach and the important role played by the space technologies in improving economies and in providing national security have heightened international community's interest in space security. कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच और खजरा के बीच ब्रॉडगेज लाइन को मंजूरी मिली। आशा वर्करों के लिए विजिट चार्ज 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई और अहम फैसले लिए गए हैं। आशा वर्कर के लिए एक और बड़ी उम्मीद के साथ फैसला किया गया है। आपको मालूम है कि आशा फैसिलिटेटर जो होती हैं, जो विजिट करती हैं महीने में, इनकरेज करती हैं लोगों को हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल के लिए, तो उनका पर चार्ज 250 विजिट रुपये था, उसको बढ़ाकर 300 किया गया है सुपरवाइजरी स्टाफ, और इनसे उनको 5,000 की जगह 6,000 मिलेगा, जो उनके 20 यात्राओं का अनुभव बताया गया है। एक बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज कैबिनेट में बताया, क्योंकि ये सारे उनके अप्रूवल से आते हैं और थोड़ा मैंने भी होमवर्क किया, कि देश में लगभग 24 लाख आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, 12 लाख आशा वर्कर्स हैं और बड़ी संख्या में लाखों में ये फैसिलिटेटर्स हैं, वही सहायक। तो ये टोटल इनका, हमने आपको पहले भी मैंने कैबिनेट के प्रस्ताव के बारे में आपको बताया था कि इनके पूरे स्टाइपेंड को हमने बढ़ाया है 1,000 रुपये, बाकी 1,000 रुपये, तो टोटल इंपैक्ट इज गोइंग टू बी 1 करोड़ इन द एंटायर कंट्री। और इस वक्त हम आपको सीधा हैदराबाद लिए चलेंगे, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारतीय विद्या भवन में छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। ఈ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఎవరంటే మన బాలలు. ఈ భవిష్యత్తు తరాని యొక్క ఆలోచనలు, వాళ్ళ యొక్క ఆశలు, వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు, వీటిని కనుక్కోవడం, వాటిని సరైన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళేట్టుగా చూడడం అనేది ఉందో, దాన్ని కూడా ఒక లక్ష్యంగా, ఒక ఉద్దేశంగానే పెట్టుకున్నాను. ఈ భారతీయ విద్యా విధానంలో స్వతంత్ర అనంతరం సాగుతున్నటువంటి విద్యా సంస్థల్లో నాకు తెలిసి నేను చూసిన వాటిల్లో ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలల్లో అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలతో భారతీయ సాంప్రదాయాలతో మన సాంప్రదాయం, మన సభ్యత, మన సంస్కృతి, మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, పద్ధతులు, మన ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్న సంస్థల్లో మొట్టమొదటిగా చెప్పదగింది భారతీయ విద్యాభవన్ అని చెప్పని మేము మీ అందరికీ కూడా మనజేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి మీకు చెప్పడం కాదు, నా మనసులో ఉన్నది మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. మీ దగ్గర రాకముందు నేను తిరుపతి భారతీయ విద్యాభవన్ కూడా ఇంతకుముందు వెళ్ళాను. ఇప్పుడు కృష్ణారావు గారు అడుగుతూ ఉంటే మీరు సైనికపురి దానికి కూడా రావాలంటే తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను. మీరు ఆహ్వానించిన దానికన్నా నేను రావాలని కోరుకున్న వాటిల్లో ఇది ఒక ప్రధానమైన సంస్థ అని మీ అందరికీ మనం చేస్తాను. యు నో దట్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ గో టు ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఆల్సో ప్రోటోకాల్ డు నాట్ పర్మిట్ ఆల్సో దే విల్ సీ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ బీ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్ బట్ ఐ హావ్ నో హెసిటేషన్ ఇన్ గోయింగ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ particularly institutions which are maintaining standards, morals, value systems. हैदराबाद से आप ये सीधा संबोधन सुन रहे थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, वहां भारतीय विद्या भवन में छात्रों को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
जम्मू कश्मीर के नौगांव इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। स्थानीय लोगों से कहा गया है कि जब तक इलाके को पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाए, तब तक वो मुठभेड़ स्थल की तरफ ना जाएं। An encounter has went on and two militants have been neutralized so far. Area is being cleared for things. There is also some law and order situations. The people are pelting stones, but through you we are also requesting them not to come too near to the site so that we can clear it of some explosive and other things which generally remains with the militants and all that. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सहित किसी से भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन आतंक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा की और कहा कि पिछले 4 से 5 महीने में काफी बदलाव आया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और नागरिकों से पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को श्रीनगर में बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस दौरान पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद गृहमंत्री ने बताया कि पिछले 4 महीने में सुरक्षा हालात में बड़ा बदलाव आया है। पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, साथ ही आतंकवादियों की भर्ती में भी कमी दर्ज की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसी के साथ भी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जहां तक बातचीत का प्रश्न है, किसी से बातचीत करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन शर्त यह होती है, उसके साथ शर्त हमारी यह है कि कम से कम वह तो देखें इस बात को कि भारत में टेररिज्म को भी पाकिस्तान स्पॉन्सर करे, टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करे, दोनों साथ चीज चले। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दें कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी। टेरर एंड डायलॉग बोथ कैन नेवर गो टूगेदर। बैठक में राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि डल झील को सुंदर बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। उन्होंने बताया कि कारगिल, द्रास, माछिल, तंगधार और गुरेज सेक्टर जैसे सीमाई इलाकों में सड़क बनाने के लिए DPR बनाने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि करप्शन के खिलाफ भी एक बड़ी कार्य योजना बनाई गई है। जब भी यहां मैं डेलीगेशन से मिलता रहा हूं तो यहां के करप्शन के बारे में लोगों ने चर्चा समय समय पर की है। इसके बारे में भी हम लोग एक मेजर स्टेप लेने जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गृहमंत्री ने 4 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और 5 प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की। गृहमंत्री ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से पंचायत चुनाव में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की, साथ ही लोगों से भी बड़ी संख्या में चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग भी अपने को जम्मू और कश्मीर की आम आवाम का सही मायनों में रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, उनके द्वारा इन पंचायत चुनाव की खिलाफत नहीं की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने कुलगाम में एक घटना में 6 नागरिकों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो उन जगहों पर नहीं जाएं जहां सुरक्षा बल अपना अभियान चला रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में हालात जल्द ही सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान से लगती पश्चिम सीमा पर आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया तो वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। माइक पॉम्पियो ने कहा कि सितंबर में पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व को इस संबंध में जानकारियां दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। हैदराबाद में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने
राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की बात की। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों पर संतुष्टि जताई है। दौरे के तीसरे दिन आज आयोग की टीम ने आयकर, उत्पाद शुल्क और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। रिगार्डिंग पोलिंग स्टेशंस, सम पॉलिटिकल पार्टीज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ पोलिंग बूथ फ्रॉम विलेजेस एंड हेमलेट्स दैट दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कास्ट देयर वोट। Some parties raised the issue that single window system for clearing the permissions for holding public meetings, rallies, etc. is not working effectively, and at times, at some places, they are being asked to bring NOCs from different agencies, whereas the Commission's instructions are that at returning officer level, all the agencies will be represented, they will sit there and issue permissions within 24 hours from there only, without asking the parties to run from pillar to post. Model code of conduct related concerns, political parties requested to ensure that promises made by the political parties in their manifestos be fulfilled after political party comes to power. छत्तीसगढ़ में पहले दौर की 18 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस सीटों पर 26 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य के 18 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए कुल 421 नामांकन दाखिल किए गए हैं। राजनांदगांव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस की ओर से करुणा शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इन सभी सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी चयन प्रणाली की मांग करने वाली जनहित याचिका को मंगलवार को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कॉल की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की दलीलों पर भी गौर किया। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका 2015 में अनूप बरनवाल नाम के व्यक्ति ने दाखिल की है। दवा निर्यात के क्षेत्र में भारत सालाना 14-15% की बढ़ोतरी हासिल कर रहा है और 2020 तक इसके 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। दवाओं के मानक निर्धारित करने वाली संस्था इंडियन फार्माकोपिया आयोग के अध्यक्ष जीएन सिंह ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का समर्थन किया है और मानकों की जांच के लिए सख्त प्रावधान विकसित करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए अब देश में लेबोरेटरी की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। दुनिया के कई देश भारत से सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाएं खरीदते हैं। इसमें चीन के साथ अफ्रीकी देशों की निर्भरता भारत पर काफी ज्यादा है। दवाओं के मानक निर्धारित करने वाली संस्था इंडियन फार्माकोपिया आयोग के अध्यक्ष जीएन सिंह ने कहा कि अभी भारत 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना दवा कारोबार कर रहा है और 2020 तक ये 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। साथ ही भारत दुनिया के फार्मा सेक्टर का तीसरा बड़ा देश बनने की तैयारी में है। भारत जेनरिक दवाओं का विश्व भर के उत्पादन का 22% निर्माण भी करता है। इंडिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। उसमें एक और मोमेंटम मिलेगा और जो हम 1 लाख+ करोड़ के हैं वो कम से कम 1.5 लाख करोड़ की मार्केट को आने वाले 3-4 साल में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर भी देश में काफ़ी चर्चा है और दवा दुकानदार और फार्मा एसोसिएशन इसकी बिक्री पर रोक की मांग भी कर चुके हैं। लेकिन सरकार का मत है कि ऑनलाइन दवाओं से लोगों को सहूलियत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कड़े मानकों के साथ आईटी आधारित पुख्ता सेफ्टी सिस्टम विकसित किया जा रहा है। हमेशा ये कहते हैं जो टेक्नोलॉजी जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो हमेशा यूज़ होनी चाहिए, लेकिन उसमें तभी होना चाहिए जब वो वैलिडेटेड हो जाए, प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर दिया जाए। हमारी जो CDSCO है, स्टेक होल्डर्स हैं, अदर पर्सन, वो डेवलप कर रहे हैं, रेगुलेशन नोटिफाइड हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए भी निजी क्षेत्र में नई लैब की श्रृंखला विकसित करने को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के इंडियन फार्माकोपिया आयोग के अलावा देश में अभी WHO के मानक के अनुरूप निजी क्षेत्र की सिर्फ 3 लैब है। अंतर्राष्ट्रीय दवा खरीद के लिए ऐसी लैब से दवाओं का पास होना जरूरी होता है। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा TV। अब बात करेंगे खेलों की दुनिया की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा स्कोर आपको बता दें, भारत ने 29 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में हुए पहले वनडे मैच में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। आज कप्तान विराट कोहली एक खास रिकॉर्ड बना सकते हैं। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली 10,000 रन का आंकड़ा छूने से महज 81 रन दूर हैं। भारतीय टीम के कप्तान इस समय जिस फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। और अब बात खास शख्सियत की। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की आज जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों पर उनकी कार्टून श्रृंखला खास मशहूर रही। उनकी श्रृंखला के लिए बनाया गया उनका कार्टून चरित्र कॉमन मैन काफी लोकप्रिय हुआ। आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण और मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका नाम दुनिया के बेहतरीन कार्टूनिस्टों में दर्ज है। 94 साल की उम्र में लक्ष्मण का 2015 में निधन हुआ था। और मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण पर हमारा विशेष कार्यक्रम कहाँ गई वो हंसी आप देख सकते हैं। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। नमस्कार।